हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ खीरे और टमाटर के फेस पैक के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं चेहरे पर टमाटर लगाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, खाने का स्वाद बढ़ाना हो या उससे पहले गर्मा गर्म सूप पीना हो, टमाटर का उपयोग आप लगभग हर तरह के भोजन में कर सकते हैं। अपने खट्टे स्वाद की वजह से टमाटर हर शेफ की पसंद में शामिल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब टमाटर शेफ के साथ साथ त्वचा भी पसंदीदा बनता जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, शोधों से पता चला है कि टमाटर के फेस पैक की मदद से आप बेदाग और खूबसूरत त्वचा पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि टमाटर को चेहरे पर लगाने के क्या क्या फायदे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है, चेहरे पर टमाटर लगाने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं। इसमें ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी त्वचा को वातावरण के हानिकारक प्रभाव से बचा सकते हैं। आइए बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है, टमाटर को प्राकृतिक एक्सफोलिएटर माना जाता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड मृत कोशिकाओं और ब्लैक हेड्स को हटाने में मदद कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा के टेक्सचर में सुधार होता है और वह मुलायम बनी रहती है। तो दूसरे नंबर पर आती है, त्वचा की बढ़ती उम्र के लक्षणों से बचाने के लिए भी आप टमाटर का फेस पैक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी और विटामिन ए पाए जाते हैं। इन दोनों विटामिन में एंटी एजिंग गुण होते हैं जो आपकी त्वचा की बढ़ती उम्र के लक्षण जैसे झुर्रियां, महीन रेखाओं और दाग से इसमें बचाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है, चेहरे पर टमाटर लगाने के फायदे यह भी है कि आपकी स्किन को चमकदार बनाए रखता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि टमाटर को प्राकृतिक एक्सफोलिएटर माना जाता है, यह चेहरे की मृत कोशिकाओं को हटाकर उसे साफ करता है और त्वचा की चमक बनाए रखने में ये मदद करता है। तो इसमें चौथे नंबर पर आता है कि सूरज की हानिकारक किरणें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में टमाटर को चेहरे पर लगाने के फायदे हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो आपकी स्किन को यूवी किरणों से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पॉल्यूशन आदि की वजह से आपके चेहरे के रोम छिद्र बड़े हो जाते हैं, जिससे गंदगी आपकी त्वचा के भीतर समा जाती है। ऐसे में टमाटर में मौजूद विटामिन सी रोम छिद्रों को छोटा करने में भी मदद। ये तो ही टमाटर के फेस पैक को लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं ये मैंने यहाँ पर बताया है। अब आइए देखते हैं इसे कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि चेहरे पर टमाटर कैसे लगाए, तो यहाँ पर मैं वही दिखाने वाली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक चौथाई खीरा को लेकर उसे कद्दूकस कर लिया है और एक लाल टमाटर को लिया मैंने और उसे भी उसके गूदे को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस करके निकाल लिया। टमाटर का गूदा इस तरह का होगा और इसे हम कैसे हुए, मैंने खीरे को कद्दूकस करके और उसमें टमाटर को के जूस को यानी कि गूदा को अच्छी तरह से मिला लिया। कुछ इस तरह का फेस पैक तैयार। तो फ्रेंड्स, एक बाउल में दोनों सामग्री को अच्छी तरह से मिला लें। इस मिश्रण को आप रुई की मदद से चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। सूख जाने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें और तौलिए से साफ कर लें। आप चाहे तो पैक लगाने के बाद खीरे को गोल गोल काट कर फ्रेंड्स यहाँ पर हम जान लेते हैं कि यह फेस पैक कैसे काम करता है। तो सबसे पहले खीरे के साथ चेहरे पर टमाटर लगाने के फायदे यह है कि यह आपकी त्वचा पर होने वाले जलन और इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। खीरे के कूलिंग प्रभाव को सनबर्न की वजह से होने वाली जलन और सूजन को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही त्वचा पर हुई सूजन को भी कम कर। तो फ्रेंड्स, टमाटर के फेस पैक लगाने के लिए यहाँ पर मैं अब आप जानिए कि इस फेस पैक को लगाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहले तो फ्रेंड्स, ये जो फेस पैक है ये आपकी त्वचा को भीतर से साफ करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस फेस पैक को लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से पानी से धो लें। और दूसरे नंबर पर आता है, फेस पैक को लगाने के बाद जब चेहरा धोए तो चेहरे को तौलिए से थपथपा कर पोछे, रगड़ कर ना पोछे। रगड़ कर पोछने से चेहरे पर रैसेस पड़ सकते हैं और त्वचा की जीवित कोशिकाएं को नुकसान हो सकता है। तो इसमें तीसरे नंबर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा अंत में चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाए, इससे आपके चेहरे पर नमी
बनी रहे। इसमें चौथी और अंतिम टिप यह है कि टमाटर को चेहरे पर लगाने के फायदे का भरपूर लाभ उठाने के लिए फेस पैक लगाने के बाद आप बाहर कहीं ना घूमने जाएं। ऐसा करने से चेहरे पर धूल मिट्टी चिपक सकती है और आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चेहरे पर टमाटर कैसे लगाएं। जब भी सब्जियों के लिए टमाटर लें तो ज़्यादा ही ले लें ताकि ये टमाटर फेस पैक बनाने के काम आ सके। टमाटर को चेहरे पर लगाने के फायदे के को जानने के बाद हमें नहीं लगता कि अब आपको इन्हें ट्राई करने में जरा भी देर करनी चाहिए। आप आज ही टमाटर का फेस पैक का उपयोग करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें कि ये आपके लिए कितने फायदेमंद रही।